इतना बड़ा 4,42,00,000 रुपए का आज लोकार्पण कार्यक्रम और भूमि पूजन कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, लेकिन हमारे ना तो बिजली विभाग ना स्वास्थ्य विभाग इस क्षेत्र के विधायक से कोई संपर्क नहीं किया। मैं तो ये समझना चाहती हूँ कि ये सामरी विधानसभा का विधायक जो है वो सामरी विधायक विधानसभा के लिए पहला प्रोटोकॉल है, लेकिन कोई अधिकारी हमसे संपर्क नहीं किया। ऐसा प्रशासन नहीं चलेगा। पिछला प्रशासन जैसा भी चला, पिछला सरकार जैसा भी चला, लेकिन अभी हमारे यहाँ प्रदेश में और भारत के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर आप लोग को चलाना होगा तो सही ढंग से आप लोग चलाएं, और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं सभी जनप्रतिनिधि को एक साथ लेकर के चलें। यहाँ पर हमारे एसडीएम साहब फोन किए थे, लेकिन हमारे विभागीय अधिकारी कोई फोन नहीं किया। हमने क्या गलती किया था? स्वास्थ्य विभाग का इतना 100 सीटर का आज भूमि पूजन करेंगे, सामुदायिक भवन का आज हम लोगों ने भूमि पूजन करेंगे, लेकिन इन्होंने विधायक को एक फोन करना उचित नहीं समझा। एसडीएम साहब को भी कहना चाहती हूँ, आप भी एसडीएम साहब, हमारे जो गांव-गांव के दूर दूर से आते हैं हमारे जनता लोग, पुलिस विभाग के अधिकारी को भी कहना चाहूंगी, जो हमारे दूर दराज से आते हैं हमारे जनतागण, भूखे प्यासे आते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो, वो जो भी समस्या लेकर के आती हैं, वो समस्या को आप लोग हंसी खुशी के साथ उनका निराकरण करें, ताकि उनको बार बार आना ना पड़े। और मैं आज यहाँ पर आप सभी लोगों ने यह बहुत ही महत्वपूर्ण लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने आया और इस कार्यक्रम में आप सभी लोग भाग लिए। यहाँ पर हमारे इंडोर वुडन बैडमिंटन ग्राउंड के लिए भी मांग किए हैं हमारे बैडमिंटन के सदस्यगण। मैं ज्यादा तो नहीं, लेकिन वहाँ पर जो भी समस्या है वो समस्या के लिए धीरे धीरे करके अभी तत्काल में मैं 6,00,000 की घोषणा करती हूँ। बाद में जैसा भी होगा उसको आपस में बैठ करके चर्चा करके जो भी बनेगा उसको आगे और जैसा बनेगा वैसा मिलजुल कर उस समस्या को हल करेंगे। उपस्थित सभी आज इस कार्यक्रम में आए सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।